एवरीवन, क्या आप भी बोलना चाहते इस तरह के सेंटेंसेस को, जैसे कि तभी तो मैंने उसको पैसे दिए थे, अरे उसी वक्त तो उसने मुझे समझाया था, उसी वक्त तो मैंने उसको पीटा था। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए देखते जाइए वीडियो को इन तक। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और ये बताने से पहले, सबसे पहले आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स दो तीन बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को इन में मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से कि कैसे ये सब बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है जो है कि फोर्थकमिंग, और फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आने वाला या फिर होता है आगामी। सुदिनिन तो आगामी होता है, लेकिन आने वाला ऐसा कह सकते हैं, जैसे कि आने वाली किताबें तो क्या बोलूंगा, फोर्थ कमिंग बुक्स, या आने वाली मूवी तो क्या बोलूंगा, फोर्थ कमिंग मूवी। क्लियर, ऐसा करके बोल सकते हैं। या देखिए, फोर्थ कमिंग के स्थान पर हम लोग अपकमिंग भी यूज करते हैं, जैसे कुछ जैसे क्लासेस ऑनलाइन चलती है, लाइव चलती है, तो लिखा रहता है अपकमिंग क्लास ऐसे करके, ठीक है, तो अपकमिंग भी यूज कर सकते हैं फोर्थ कमिंग के स्थान पर। एक वर्ड और आपके सामने है जो है कि एम्बियंस, और इस एम्बियंस का मतलब होता है माहौल। क्या होता है? माहौल होता है, जैसे कि अच्छा माहौल तो क्या करेंगे, गुड एम्बियंस, खराब माहौल बैड एम्बियंस, ठीक है, गंदा माहौल डर्टी एम्बियंस। क्लियर है ना, ऐसे करके होता है। तो चलिए आज आपको, अब हमको बता दें कि कैसे बोलते हैं वो सब सेंटेंस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे कि आप सामने एक एग्जांपल है, तभी तो मैंने उसको समझाया था, देखिए तभी तो उसी वक्त तो, इसका होता है दैट्स व्हेन। क्या होता है? दैट्स व्हेन, जैसे कि तभी तो मैंने उसको समझाया था, तो सबसे पहले दैट्स व्हेन करेंगे, उसके बाद कोई सा भी आप सेंटेंस यूज कर देंगे, यानी दैट्स व्हेन आई कन्विंस्ड हिम, ठीक है, तभी तो उसने मुझे पैसे दिया था, यानी उसी वक्त तो उसने मुझे पैसे दिया था। दैट्स व्हेन ही गिव मी मनी, ठीक है, उसी वक्त तो मैंने उसको पीटा था। दैट्स व्हेन आई बीट हिम, देखिए बीट की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम होती है, बीट बीट बीटन होती है, ठीक है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप सच में समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, ताकि मैं जान सकूं कि हाँ मैं आपको समझाने में समर्थ रहा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, राइट, उसी वक्त तो उसने एडमिशन लिया था, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।